भाषण और आश्वासन ही नूरपुर विधायक की 7 महीने की मुख्य उपलब्धि रही है। ये बात नूरपुर के पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय महाजन ने जसूर प्रेस क्लब को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विधायक राकेश पठानिया की एक मुख्य उपलब्धि ये है कि उनके शासन में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए शिलान्यास पटिकाओं को तोड़ना। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा नूरपुर शहर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव पानी व बिजली से त्रस्त हैं, लेकिन विधायक ने अपनी पूरी ऊर्जा पंचायत समिति उपाध्यक्ष के चुनाव अपने समर्थित उम्मीदवार को जितवाने में लगा दी थी। सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से समिति उपाध्यक्ष का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जब जनशक्ति की बात आई तो लोगों ने पंचायत उपचुनावों में ज्यादातर विधायक को आईना दिखाते हुए कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जितवाया है। ये 2019 में भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी है। उन्होंने विधायक राकेश पठानिया से सवाल किया है कि कांग्रेस शासन में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 खेल मैदान हेतु बजट लाया गया था, वो विधायक को शख्स सहित पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन आज तक उसकी एक ईंट भी नहीं लगी है। नूरपुर अस्पताल को 200 बेड का अपग्रेड कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या कम होती जा रही है और अस्पताल की हालत दयनीय होती जा रही है। मातृ शिशु कल्याण अस्पताल का शिलान्यास कांग्रेस शासन में हुआ था, वह 10 करोड़ की पहली किस्त भी स्वीकृत हो गई थी। वो डायलिसिस सेंटर हेतु प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन 7 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मात्र भाषण व घोषणाएं ही कागजों पर नजर आ रही हैं। इस पर पंचायत उपचुनाव में जीते कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। क्षेत्र की जो आज की स्थिति बनी हुई है बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे शहर के अलावा गाँव में भी पानी नहीं है, बरसातों के दिन हैं और कई कई दिन पानी भी नहीं आ रहा और बिजली का भी वही हाल है। मैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, मेरे छोटे भाई, मैं उनसे मशवरा देना चाहता हूँ कि वो जो अपनी एनर्जी है, पीछे जो हमारा बीडीसी का इलेक्शन हुआ, सारे अफसरों को तो उन्हें वहाँ पे लगा दिया कि डराओ धमकाओ और वोटें मत डालो। मैं कहना चाहता हूँ कि ये उल्टा ये हिदायत दें कि लोगों के घरों में पानी और बिजली पहुंचे। और जो अनाउंसमेंट्स इन्होंने अभी तक की थी एक भी अभी पूरी नहीं हुई, और जो हमारे टाइम के हमारी सरकार के टाइम की अनाउंसमेंट्स थी वो भी पूरी नहीं हुई। इनकी सिर्फ एक उपलब्धि है, जो हमारे बोर्ड्स शिलान्यास के लगे थे कई जगह उन्होंने वो उखाड़ दिए हैं और काम शुरू नहीं किया। ये नूरपुर की राजनीति में मेरे ख्याल ये शोभा नहीं देता ऐसा काम करना। बोर्ड नए लगाओ, काम नए करो, ये पुराने बोर्ड उखाड़ के और काम ना करने के लिए ना करना, ये मेरे ख्याल एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मैंने पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि 7 प्लेग्राउंड्स अनाउंस किए थे हमारे टाइम में और उसके लिए पैसे भी आ गए थे, और यहाँ के माननीय विधायक जी ने मुझे प्रेस के माध्यम से पूछा था कि वो मजाक करते हुए पूछा था कि वो 7 ग्राउंड्स का नाम बताया जाए, तो मैंने प्रमाण सहित वो उनको बताए और उसके बाद भी 5 महीने हो गए हैं अभी तक वो ग्राउंड शुरू नहीं हुए। इसके अलावा हॉस्पिटल की बात करूं तो हमारे टाइम में जो हॉस्पिटल में स्टाफ था इन्होंने अनाउंसमेंट की कि 200 बेड का हॉस्पिटल कर दिया, और उल्टा क्या हुआ है कि 4 डॉक्टर्स यहां से ट्रांसफर चले हो गए हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन चले गया, हड्डियों का डॉक्टर यहां पर नहीं है, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट था डॉक्टर प्रताप वो भी यहां से चले गए हैं, और हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और यहां बाकी वाटर स्कीम्स हैं जो हमारे टाइम में शुरू हुई थी वहां वहीं की वहीं ठप पड़ी हुई हैं।